देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले 5 महीनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। अब तक इस हिंसा के पीछे दावा किया जा रहा था कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प ने मणिपुर को जला दिया, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो आपको चौंका सकता है। इस हिंसा को भी पालने पोसने वाले कोई और नहीं खालिस्तानी आतंकियों का समूह है। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट ये खुलासा करता है। दरअसल नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के चीफ और कुकी नेता लीन गांगटे ने मणिपुर हिंसा पर जहर उगला था, जिसमें उन्होंने सैकड़ों चर्चों को जलाने और पुलिस पर दंगाइयों के प्रोत्साहन का आरोप भी लगाया था। सवाल ये नहीं कि लीन गांगटे ने बयान क्या दिया, सवाल ये है कि लीन गांगटे ने ये बयान कहाँ दिया, जिसका जवाब दूध का दूध और पानी का पानी करता है। और ये ही अहम कड़ी भी है कि लीन गांगटे भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजरों में चढ़ गए हैं, क्योंकि अगस्त की शुरुआत में लीन गांगटे ने कनाडा के सर्रे शहर के उसी गुरुद्वारे में मणिपुर हिंसा पर जहर उगला था, जिसके बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। NAMTA की ओर से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इतना ही नहीं, लीन गांगटे के भाषण के बाद NAMTA के सदस्यों और खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थकों के बीच खुफिया बैठक भी हुई थी, लेकर खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सरगना की हत्या का आरोप भारत पर मरने के बाद भारत पर मना जाने लगा तो NAMTA संगठन ने चुप्पी साधी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। चंद दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकियों की बंद कमरे में ISI के साथ बैठक हुई थी। दूसरी ओर लीन गांगटे की 7 अगस्त को बंद कमरे में खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक एक बड़ा इशारा कर रही है कि ये विदेशी सरजमी पर भारत को दहलाने की साजिश बड़े स्तर पर रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MV नेटवर्क।